अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम काफी अरसा बाद एक साथ निकले हैं और स्पेशली मुस्तफा भी हमारे साथ आया और नया जवान हमजा भी हमारे साथ आया। टाइम बाद हमारा लास्ट व्लॉग एक साथ कौन सा था? एक तो मुस्तफा वाला था ना, उसके अलावा आई थिंक स्विट्जरलैंड वाला। हाँ, स्विट्जरलैंड वाले ब्लॉग थे। उसके बाद अभी निकले हैं, आई थिंक 2-3 महीने गुजर गए हैं। बहरहाल आज एक नई जगह का हमें पता चला है, बबल प्लेनेट का। तो हमारा हम दोनों का प्लान बना था कि उधर चलते हैं, तो अभी साथ साथ चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करते। सो स्टे ट्यून्ड द बबल प्लेनेट एक्सपीरियंस। बहरहाल जी, अभी सीन कुछ इस तरह से है कि तमीना और बाकी सबको मैंने ड्रॉप कर दिया था इधर अंदर एंट्रेंस वे वाली मेन एंड क्लोज की है। लेकिन आज एक और बुरी चीज़, सैटरडे का दिन है और यहाँ पर वेम्बली स्टेडियम के करीब ही कोई इवेंट हो रहा है, बल्कि आई थिंक वेम्बली स्टेडियम में ही इवेंट हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर पार्किंग ढूंढना बहुत मुश्किल है। और आप यकीन करो कि जो भी रैंडम साइट्स हैं वहाँ पर उन्होंने वैसे ही लिख के लगाया हुआ है £20 की पार्किंग है, तो रिप ऑफ है टोटली। तो बारह अभी मैं बस पहुँच आया हूँ और अभी यहाँ पर अंदर चलते हैं। ये रही हमारी बबल प्लेनेट की एंट्रेंस और अभी हम यहाँ से चलते हैं अंदर। अच्छा जी, अभी हम अंदर तो नहीं गए लेकिन मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, तो मुस्तफा भी यहाँ पर कह रहा था, तो मैं भी कह रहा हूँ मुस्तफा को लेकर अभी अंदर चलो। मुस्तफा कम ऑन, लेट्स गो। मुस्तफा पहले घबरा रहा था और अभी इंजॉय कर रहा है। अच्छा, एंट्रेंस जो है ना वो लवे उस साइड पर है। बहरहाल जी, अभी हम अपने बबल प्लेनेट के एक्सपीरियंस की जर्नी पर अंदर जा रहे हैं। अंदर जा के देखते हैं कि कैसा रहता है। अच्छा जी, जगह जो मैंने भी देखी है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये चीज़ चेक करो गाइस, रियली नाइस। हेलो। अच्छा, काफी यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है इधर हमारा। मुस्तफा जो है वो नीचे देख रहे हैं, ये सारा व्यू बहुत ही नाइस लग रहा है नीचे से। बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस है ये जो चीज़ है ना, ये फ्लोर के ऊपर वॉक करना। आपको ज़रा ये दिखाऊँ, ये सारी स्क्रीन लगी हुई है। मुस्तफा अभी बाहर आगे चलते हैं, इधर मिरर है और उसे पता ही नहीं है। मुस्तफा बस भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। मुस्तफा चलो यारा, अभी आगे चलते हैं यहाँ से, अभी इस जगह से अंदर। ये यहाँ से मेन डोर है अंदर। इस जगह पे इन्होंने बलून्स वाली जगह बनाई हुई है और मुस्तफा वापस जाने की कोशिश कर रहा है, उसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है इधर आने का। आई थिंक हमें उस जगह से जाना है। लेट्स गो मुस्तफा, उधर से आप। अभी मुस्तफा को उठा के उस जगह से जाते हैं। मुस्तफा जो है कह रहा है कि उसे उठा के रखूँ मैं। तमीना मुस्तफा हैप्पी है। बड़ी नाइस प्लेस है। और वन मोमेंट जी, स्टैंड हियर मुस्तफा। मुस्तफा
अच्छा जी, आज की सबसे मजे की चीज जो ये है कि मुस्तफा काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है और इस वजह से मुझे और ज्यादा मजा आ रहा है। जरा ये देखो, मैं जरा आपको चेक कराता हूँ। मुस्तफा अभी यहाँ आके एक और जगह पे आए हैं बबल प्लैनेट एक्सपीरियंस की। तो इधर ये इस तरह से इन्होंने एक फुटबॉल स्टाइल का लगाया हुआ है। चलो अभी आगे चलते हैं। मुस्तफा तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं इधर। मुस्तफा मेरी और मुस्तफा की बेस्ट बेस्ट प्लेस है। देखना वो बीच में ही ना चला जाए। ओके वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर किड्स। यहाँ पर आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलता है। क्या लोग बेशक आप बड़े हो या बच्चे हो, आप सही इंजॉय करते हैं। यहाँ पर इस जगह पे इन्होंने ये दो फीट बनाए हुए हैं। ये थोड़ा रोल और ऑल द वे उस तरफ फेस है पर्सन का, और ये साथ में आर्म्स बनी हुई है। इस तरह की फीलिंग आ रही है कि ऐसे कोई पर्सन जो है वो लेटा हुआ है और हाफ बॉडी जो है उसकी इन बोल्स में बरिड है। का दिल नहीं थका रहा बाहर आने का, बारे से बाहर ले आए हैं और अभी आपको जरा व्यू दिखाते हैं जी। ये व्यू का हम इधर अंदर से आपको इस जगह से फीलिंग आती है जैसे आप कह लो कि एयर बलून जो होता है उसमें बैठे हुए हो और नीचे बिल्कुल स्काई स्काई नज़र आ रहा है। साइड से भी नीचे भी ये इस जगह पर अगर आप देखो हॉट एयर बलून जो होता है वो। और अभी आगे चलते हैं इधर क्या है। यहाँ पर फोटो बनाने के लिए डिफरेंट रूम्स हैं, डक्स हैं, ये बैलून वाली फोटोग्राफी, ये चीज़ नाइस है। कौन सी है जी बेस्ट जगह? सबसे बेस्ट
ओए वाकई जी, अभी हम इन्फिनिटी लाइट रूम में आ गए हैं और ये काफ़ी मज़े की जगह लग रही है। अच्छा जी, अब मुझे नहीं पता हमारी वीडियो कैसे आ रही है और मुस्तफ़ा अभी इस टाइम किसी और के पास जाना नहीं चाहता, तो मैंने कहा मुस्तफ़ा को उठा के व्लॉग बनाते हैं। ये भी ज़रा डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। और लाइट्स जो हैं इन्फिनिटी इसलिए हैं क्योंकि सामने अगर आप देखो तो ये मिरर है और मिरर से दूर तक यही फीलिंग आती है कि सिर्फ आप ही आप हो। ये यहाँ पर वीआर एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर इन चेयर्स पे बैठोगे और उसके बाद क्या कहते हैं ये ग्लासेस आप पहन कर इस तरह, इस बंदे की एग्जांपल आपको देता हूँ, ये है हमारा सैंपल फॉर एग्जांपल ताकि आपको पता चले। बारा जी अभी हम आगे चलते हैं और बाहर अगर आ गए हैं तो हम यहाँ पर मुस्तफ़ा को थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि मुस्तफ़ा यहाँ पर अपना खेले और इन्जॉय करे। चलो मुस्तफ़ा आ जा। बबल प्लैनेट एक्सपीरियंस, चलो जी हमारा एक्सपीरियंस हो गया है बबल प्लैनेट का, तमीना ऑलरेडी बाहर चली गई है। बहरहाल जी ये थी जी आज की वीडियो और हमारा आज का व्लॉग जो हमने काफ़ी दिनों बाद बनाया है। पर उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। इसके साथ होगी मुलाकात आज से नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी दिनों बाद ये वाला कह लो लाइन अपनी बोली है। तो चलो जी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। चलें जी, चलो जी अभी चलते हैं, चल चलें मुस्तफ़ा।